धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप जो 30 फुट तक होते हैं, या फिर चलने वाली प्लांट्स जो एक जगह से दूसरे जगह तक चलकर जा सकती है, या फिर मांसाहारी छोटे छोटे फिश यानी पिरहनास जो पलक झपकते विशाल से विशाल मगरमच्छ तक का शिकार कर लेते हैं। ऐसे ही और जानवर अमेज़न रेनफॉरेस्ट में पाए जाते हैं जिनके बारे में तो आपने सुना भी नहीं होगा। तो आखिर अमेज़न फॉरेस्ट ऐसे कौन कौन से राज छिपाता है, आज का ये एपिसोड इसी पर बेस्ड है। अमेज़न रेनफॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रेन फॉरेस्ट है। आप इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इतने विशाल एरिया में पूरे ब्रिटेन और आयरलैंड को मिला भी दिया जाए तो ये दोनों देश 17 बार उसमें फिट हो जाएंगे। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये रेन फॉरेस्ट पूरे 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया जैसे देश शामिल है। अमेज़न जंगल को रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर वक्त बारिश होती रहती है, और शायद मुश्किल से ही कुछ दिन गुजरता होगा जब यहाँ बारिश नहीं होती होगी। अमेज़न इस दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो अमेज़न रिवर इस दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। अंदाजे के हिसाब से इसके मिट्टी और हवा में 150 से 200 टन जितना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इस रेन फॉरेस्ट में 47 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से ज्यादातर आदिवासी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 40,000 प्लांट्स की स्पीसीज है और लगभग 40,000 करोड़ ट्रीज है, और ये जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी जमीन को छू भी नहीं पाती। यहाँ के ट्रीज सूरज की रोशनी को जमीन पर आने से रोक लेते हैं। अमेज़न को लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि पूरी धरती का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है। अमेज़न जंगल में 1400 पक्षियों की प्रजाति और 3000 प्रकार की मछलियों की प्रजाति और 25 लाख इंसेक्ट्स की प्रजाति पाई जाती है। अमेज़न जंगल में बिना किसी इक्विपमेंट और एक्सपर्ट के जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे जानवर रहते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे। जैसे ये सुंदर मेंढक को ही देख लीजिए। अगर इसकी खूबसूरती पर फिदा होकर आपने इसे हाथ में लेने की गलती की तो ये आपके जीवन की आखिरी गलती होगी। इसमें इतना जहर होता है कि सिर्फ छूने से ही आपकी मौत हो सकती है। इसमें इतना जहर होता है कि 20 इंसानों को और 20,000 चूहों को तो ये आसानी से मार सकता है। और अब जरा इस मेंढक को देखिए। ये मेंढक नीचे से पूरा ट्रांसपेरेंट है। आप इसके एक एक ऑर्गन बहुत आसानी से देख सकते हैं। आप बिना इसके बॉडी के चीरे इसके दिल के धड़कन को देख सकते हैं। आगे जाने से पहले अगर वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। खैर, अमेज़न जंगल में इस दुनिया की सबसे विशाल चील की प्रजाति भी पाई जाती है। ये है हार्पी ईगल। ये दुनिया का सबसे बड़ा ईगल है। ये ईगल 7 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं। इनका विंग स्पैन 6 से 8 फीट होता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक इंसान है और ये हार्पी ईगल है। आप इसके साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। ये इतना बड़ा है कि ये 5 साल के बच्चे को आसानी से उठा कर ले जा सकता है। अब जरा अमेज़न जंगल में पाई जाने वाले इस चींटी को देखिए। इसे बुलेट एंट कहते हैं, जो अमेज़न जंगल में पाई जाती है। इसके काटने का दर्द बुलेट के दर्द से कंपेयर किया जाता है, इसलिए इन्हें बुलेट एंट कहा जाता है। अगर ये आपको काट ले तो इसका दर्द 24 घंटे तक आपको असहन दर्द देगा। यहाँ की लोकल ट्राइब एक बुलेट एंट इनिशिएशन सेरेमोनी करती है। सबसे पहले जंगल में से बुलेट एंट्स को जमा किया जाता है, फिर उन्हें एक खास रसायन से बेहोश किया जाता है, फिर एक अलग तरह के दस्ताने बनाए जाते हैं, फिर इन चींटियों को दस्ताने में डालकर इनका डंक एक तरफ और इनका मुंह एक तरफ रखा जाता है, और जब इन चींटियों को होश आता है तो इन दस्तानों को लोगों को पहनाया जाता है। इस दस्ताने को पहनकर इतना दर्द होता है जिसको आप और मेरे जैसे लोग सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस सेरेमनी को ज्यादातर युवा लोग करते हैं। ये लोग अपनी शक्ति और साहस को साबित करने के लिए ऐसा करते हैं। और अब जिस जानवर की बात करने वाले हैं, वो खुद में ही एक चलता फिरता इलेक्ट्रिक लाइन है। इस मछली का नाम इलेक्ट्रिक ईल है, जो अमेज़न रिवर में पाई जाती है। खास बात यह है कि ये 850 वोल्ट का झटका मार सकती है, जहां इंसानों को मरने के लिए सिर्फ 150 वोल्ट ही काफी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 850 वोल्ट का झटका कितना खतरनाक होता है। ये मछली मगरमच्छ को भी जान से मार सकती है। अगला है पिंक डॉल्फिन। आपने अपने जिंदगी में पिंक डॉल्फिन कभी नहीं देखा होगा। ये प्रजाति अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाती है। आमतौर पर डॉल्फिन्स फ्रेंडली होती है, पर ये डॉल्फिन फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होती है। अमेज़न का सबसे खतरनाक जानवर ग्रीन एनाकोंडा है। दूसरे सांपों की तुलना में ये सांप 30 फीट से भी लंबे होते हैं। इनका वजन 250 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है, और इनकी विड्थ 12 इंच से भी ज्यादा हो सकती है। ये विशाल सांप हिरण, तेंदुए, बाघ और यहाँ तक कि मगरमच्छ को भी निगल सकते हैं।
ये जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन अगर इनके सामने में कोई आ जाए तो उनसे बच पाना मुश्किल है। ये अपने शिकार का दम घोंट के मार देते हैं। जानवरों के अलावा यहाँ ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते, जैसे कि ये वॉकिंग पाल्म ट्री को ही देख लीजिए। आपने कभी चलने वाला ट्री नहीं देखा होगा। ये ट्री अपनी जगह से हिल सकता है और अपनी जगह बदल सकता है। अमेज़न में सूरज की रोशनी मिलना एक लॉटरी मिलने जैसा है, क्योंकि यहाँ के ऊंचे ऊंचे ट्रीज सूरज की रोशनी को जमीन पर आने से रोक देते हैं। इसलिए कुदरत ने इस ट्री को चलने के काबिल बनाया है। ये ट्री सूरज की रोशनी की ओर खींचे चले जाते हैं। इनकी चलने की स्पीड बहुत ही स्लो होता है। इनकी रूट्स बाहर की तरफ होती है। अगला है रफलेसिया फ्लावर। ये इस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है जो अमेज़न जंगल में पाया जाता है। आकार में ये 3 फुट का होता है और वजन में ये 7 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके साइज के अंदाजा के लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं। और अब जरा इसे देखिए, ये है लीफ मिमिक कैटीडाइड। इस पत्ते को ध्यान से देखिए, दरअसल ये पत्ता है ही नहीं, ये एक इंसेक्ट है जो लीफ की तरह दिखता है। कुदरत का ऐसा करिश्मा सिर्फ अमेज़न में ही हो सकता है। और जरा इस ट्री के छोटे से टहनी को ध्यान से देखिए, ये कोई टहनी नहीं, एक इंसेक्ट की स्पीशीज है जिसे जंपिंग स्टिक इंसेक्ट कहते हैं। ये अलग अलग ट्रीज पर रहकर पत्तियां और टहनियों को खाता है। इनका ये बॉडी डिजाइन इन्हें बहुत से शिकारों से बचाता है। अब इसे देखिए, ये है पेस्टलोचिप्सिस माइक्रोस्पोरा। ये एक तरह का फंगस है। इनका खास बात यह है कि ये फंगस प्लास्टिक तक को भी खा सकती है। आज इस दुनिया में प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत ही अलार्मिंग समस्या है। अगर इस फंगस को अमेज़न से बाहर निकालकर दुनिया की तमाम हिस्सों तक पहुंचाया जाए तो पूरी दुनिया से प्लास्टिक की समस्या खत्म हो सकती है। इसके अलावा अमेज़न जंगल के बहुत से ऐसे रहस्य भी हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि अगली बार कोई अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में बात करे तो आपको उनसे ज्यादा जानकारी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स होंगे तो इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर आएगा, जहां हम अमेज़न जंगल की और भी रहस्यमय चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि लोगों का कुछ समूह जो अमेज़न फॉरेस्ट में एक नया शहर ढूंढने निकले थे पर आज तक लौट कर नहीं आ पाए।